आपने हमारे पहले स्ट्रक्चर में देखा सीपीयू के साथ जीएमसीएच कनेक्टेड था, जीएमसीएच के साथ आईसीएच कनेक्टेड था, आईसीएच के साथ आईओ कंट्रोलर कनेक्टेड था, जो हमारे चार मेन कंट्रोलर थे। अब जीएमसीएच क्या कर रहा है, आपके मेमोरी और ग्राफिक्स को कंट्रोल कर रहा है, और आईसीएच क्या कर रहा है, आपके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है, और आईओ क्या कर रहा है, मेनली टचपैड और कीबोर्ड को कंट्रोल करता है। हमारे दूसरे स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि वही पे सीपीयू था, लेकिन यहाँ पे जीएमसीएच और आईसीएच नहीं था। जीएमसीएच और आईसीएच के रिप्लेसमेंट में इंटेल ने पीसीएच लॉन्च किया, जो आईसीएच का नेक्स्ट वर्जन था। जैसे सीपीयू के साथ पीसीएच, उसके साथ आईओ कनेक्टेड था। पीसीएच सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा था, जिस तरह से आईसीएच कर रहा था, और एक्स्ट्रा डिस्प्ले को कंट्रोल कर रहा है, और सीपीयू रैम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और आयो वैसा ही, आपका आयो क्या कर रहा था पहले, टचपैड और कीबोर्ड, इसमें भी आयो टचपैड और कीबोर्ड कर रहा है। और हमारे थर्ड स्ट्रक्चर में हमने देखा यहाँ पे ना सीपीयू है, ना पीसीएच है, ना आईसीएच है, ना एमसीएच है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिंगल आईसी है जो सीपीयू भी है और पीसीएच भी है, उसके साथ आईओ कनेक्टेड है। जिस तरह से पुराने स्ट्रक्चर में सब कुछ कनेक्टेड था, जिसके साथ सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पे एक ही आईसी होगा जो मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होगा, ग्राफिक्स को कर रहा होगा, इनपुट आउटपुट को कर रहा होगा, लेकिन आईओ कंट्रोलर वैसा ही वैसा ही कीबोर्ड और टचपैड को अलग से कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।